देखो बेटा, तो लास्ट टाइम अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रिगार्डिंग डिस्कशन स्टार्ट की थी, और कल जरा लास्ट हेडिंग अपन लिखा थी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। मतलब जदों भी थानू मैं कल गल दसी थी कि जदों भी कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, तां उस पार्टिकल दी एट एनी टाइम पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट नो फाइंड आउट करने लिए असी जनरल फार्मूला यूज करांगे। हुण ये जिहड़ा फार्मूला है बेटा, मैं लिखिया सी कल तुहानू दस्सिया सी, इस फार्मूला दे विच आर की है कि वो जिहड़ा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा उसकी डिस्प्लेसमेंट सॉरी एम्पलीट्यूड, और ओमेगा की है जिहड़ा पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी की है एट एनी टाइम, और फाई नू दस्या सी थानू मैं इनिशियल फेज और इपोक, और ओमेगा टी प्लस फाई मिलके है टोटल फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। हुण बेटा जदों असी इस कंसेप्ट नू समझ रहे हैं, हुण देखो इनू हुण प्रैक्टिकली किदां असी अप्लाई करना वा, उसके लिए अपना एक छोटा जहा न्यूमेरिकल लिखन जा रहे हैं, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखो पुत्र, लिखो, ए पार्टिकल इज, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। इफ इनिशियली पार्टिकल वाज नंबर वन एट मीन पोजीशन, नंबर टू एट एक्सट्रीम पोजीशन, नंबर थ्री एट मिड पॉइंट बिटवीन मीन एंड एट मिड पॉइंट बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजिशन। ठीक है, देन राइट द इक्वेशन ऑफ इट्स पोजिशन एट एनी टाइम, देन राइट द इक्वेशन ऑफ पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम।
देखो पुत्र हुण इस नुमेरिकल दे नाल आपां वेट नूं पकड़ना की है थोड़ा पार्टिकल सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा तो अलोंग एक्स एक्सिस लिखने का मतलब है कि असी ओदी पोजीशन एक्स दे नाल डिनोट करांगे और एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर तो आर दी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है पर सानू इस स्टेटमेंट पुत्र फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 हर्ट्ज तो इहदा मतलब ओमेगा दी वैल्यू असी 2 पाई न्यू फार्मूला नू यूज करके जो इतने 50 पुट करांगे तो 200 बन जाएगा तो 100 पाई आ जाएगी। हुन सानू ने क्या वा ध्यान नाल गल सुनियो कि तुसी पार्टिकल दी पोजीशन लभण वाली एट एनी टाइम इक्वेजन लिखनी है तो हुन सानू आर भी पता लग चुका ओमेगा भी पता लग चुका तो साडा एक्स बन चुका वा 10 सेंटीमीटर साइन ओमेगा दी जगह 100 पाई इनटू टी प्लस 5 पर साडा आंसर उदों तक कंप्लीट नहीं होएगा पुत जब तक सानू इस 5 दी वैल्यू पता नहीं लगदी और इस 5 नू असी कल तो ही गल करनी शुरू की है इनिशियल फेज और इपोक कहने हुण इहदी वैल्यू थानू मैं कल भी दस्या सी वो डिपेंड करती है कि थोड़ा जेड़ा पार्टिकल है वो स्टार्टिंग ते किथे है। हुण गल नू सुनो बड़े ध्यान नाल सुनना कल ही कोई नहीं आपां नू देखो हुण स्टेटमेंट नू पढ़ो तो जेड़ा पहला पार्ट है उन्हें क्या कि इनिशियली पार्टिकल किथे है इनिशियली मतलब जीरो टाइम पे पार्टिकल किथे है एट मीन पोजीशन सो इहदा मतलब जे मैं थानू डायग्राम नाल इस सारे नू हां जी बेटा करता लेता पुत्र ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨੈਟ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਗਈ ਐਂਟਰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀ ਐਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਐਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਔਰ ਐਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ 0 is equal to 10 centimeter sine तो आ टर्म तो 0 हो जाएगी बच्चों तो प्लस 5 सिर्फ 5 बचेगा तो हुण इहनू आपां एक स्टेप होर लिख सकते हैं सानू समझाण लई 0 प्लस 5 इदां ना तो इहदा मतलब sin 5 की आ गया पुत 0 हुण नाल ही थानू मैथमेटिक्स की जो इनफॉरमेशन वो आनी शुरू होनी चाहिए है कि जेड़ा फाई है तो साइन फाई अगर जीरो है तो एंगल या जीरो होंदा या 180 डिग्री भी होंदा पुत्र सो इस करके जेड़ा फाई है तो अगर साइन फाई जीरो है तो आइदर फाई जीरो और फाई 180 डिग्री और फाई रेडियन है ना तो इहदा मतलब ये हो गया कि जो पार्टिकल है जो सिंपल हारमोनिक ऑसिलेशन एग्जीक्यूट कर रहा है पार्टिकल तो जब वो स्टार्टिंग पे मेन पोजीशन पे है तो उसका जेड़ा इनिशियल फेज है वो जीरो भी हो सकता है वो 180 डिग्री भी हो सकता
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ 0 ਹੈ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ? ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 0 ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਾਈ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਪਾਈ ਰੇਡੀਅਨ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ 0 ਹੀ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੈਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ 0 ਹੀ ਮੰਨਣਾ, 180 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ 0 ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 0 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ 0 ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ 0 ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਈਓ। ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਆਰ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਹੈਨਾ? ਤੋ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਔਰ ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ? 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, 10 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੋ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਪਾਈ ਬਾਏ 2 ਰੇਡੀਅਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈ ਹੈ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਪਾਈ ਬਾਏ 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਈਨ 100 ਪਾਈ ਟੀ ਪਲੱਸ 90 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਸ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੋਸ 100 ਪਾਈ ਟੀ ਓਮੇਗਾ ਟੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ, ਹੈਨਾ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਥਰਡ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਮੀਨ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਰ ਬਾਏ 2। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀ 0 ਤੇ ਐਕਸ ਆਰ ਬਾਏ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਆਰ ਬਾਏ 2, ਆ ਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਆਰ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ। ਤੋ ਅਗਰ ਆ ਆਰ ਬਾਏ 2 ਹੈ ਤੋ ਆ ਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪਲੱਸ ਫਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਰ ਆਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ 0 ਟੀ 0 ਹੈ ਤੋ ਆ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 0। ਤੋ ਹੁਣ 1/2 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਫਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਨ ਫਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਹਾਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ,
साइन हाफ के दे लिखता बेटा 30 डिग्री ले, है ना। तो एरा मतलब फाई दी वैल्यू 30 डिग्री और 5/6 रेडियन है। तो इट मीन्स फाई दी वैल्यू 5/6 रेडियन आ गई, है ना। पर एक गल होर याद रखनी है, फिर वही गल बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो वो की है कि जो थोड़ा पार्टिकल इतने है ता और x की वैल्यू r by 2 है, तो फाई की वैल्यू 30 डिग्री का मतलब है कि वो पार्टिकल इधर नू जा रहा है, इधर नू जा रहा है, ठीक है। पर पार्टिकल इस जगह पे उदो भी हो सकता है जब वो इस तरफ जा रहा है, तो यह मतलब जेड़ा हम साइन फाई हाफ होंगे ना बुत, तो साइन फाई की वैल्यू हाफ 30 डिग्री ले भी होंगी है, तो 150 डिग्री ले भी होंगी, साइन 150 डिग्री भी हाफ होंगे। सो यह मतलब और इनू आप रेडियन च भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो यह बन जाएगा 5/6 पाई। तो यह मतलब हूँ थानू वो बाद चो दसेगा कि पार्टिकल जरा वा जो सेंटर पे है वो एक्सट्रीम वाल जा रहा, अगर एक्सट्रीम वाल जा रहा तो पाई 30 डिग्री आएगा, और अगर वो मीन की तरफ जा रहा है तो पाई 150 डिग्री लवेंगे। तो साडा आंसर जरा बनेगा वो आएगा एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, और इन दोनों विचों एक्चुअली केड़ा होएगा वो कौन डिसाइड करेगा, और आप इसे 130 डिग्री की जगह पे प्रेफर करते हैं रेडियन च लिखना पड़ता। तो आप फिर एक्सप्रेशन बनेगी, मतलब हम गल सुनो कि थोड़े सामने हूँ एक कलैरिटी हो जानी चाहिए है कि जदों भी कोई पार्टिकल सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो उसकी पोजीशन एट एनी टाइम नू एक्सप्रेस करने के लिए असी जनरल फार्मूला तो आ है। तो हुन इस फार्मूला दे विच फाई दी वैल्यू डिपेंड करेगी कि पार्टिकल इनिशियली कित्थे है। तो अगर मैक्सिमम जिन्ने भी केसेस है 99% केसेस है उन्होंने ये मान के ही चलेंगे आप कि जो सिंपल हारमोनिक मोशन एग्जीक्यूट करने वाला पार्टिकल है वो स्टार्टिंग से मेन पोजिशन पर है, और जो स्टार्टिंग से मेन पोजिशन आ गई तो फाई की वैल्यू 0 ही है, और इस करके साडा एक्स आर साइन ओमेगा टी ही कम सू चला जाएगा। बट जे किसी केस के पार्टिकल एक्सट्रीम पोजिशन पर है स्टार्टिंग से, तो फिर एक्स की वैल्यू आर कॉस ओमेगा टी तो कटी जाएगी, और अगर पार्टिकल स्टार्टिंग च ना मीन से है ना एक्सट्रीम से है कित होर है, तो फिर सानू फाई की वैल्यू निकाल के फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तक अगर किसी नू कोई भी डाउट है मान्या पवनीत खुशी हरगुण महक गर्व चित्राक्ष कृष्णा क्लियर है ना सबनू। भाव्या रक्षित हूं देखो बेटा हूं इहदे नाल ही एक होर इंपॉर्टेंट ते इंटरेस्टिंग गल की है। देखो सो आ बेटा मीन पोजीशन है, आ नेगेटिव एक्सट्रीम आ पॉजिटिव एक्सट्रीम
दिस इज एम्पलीट्यूड, और थानू याद होएगा मीन पोजीशन तो एक्सट्रीम पोजीशन तक और एक्सट्रीम पोजीशन तो मीन पोजीशन तक जो टाइम टेकन है वो हुंदा वा मिनिमम टाइम टेकन दैट इज टी बाय फोर। तो ये आप स्टार्टिंग दे लेक्चर से गल की थी कि अगर कैपिटल टी सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड है ता पार्टिकल नू मीन पोजीशन तो एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने लई या एक्सट्रीम तो मीन पोजीशन तक वापस आने लई जो टाइम लगेगा वो टी बाय फोर होएगा। ठीक है, हुन ध्यान दियो बेटा, हुन मैं थोड़े सामने ओ ते बी दा मिड पॉइंट सिलेक्ट करना। हुन अगर बेटा ओ तो बी पहुंचन नू टाइम लग रहा टी बाय फोर तो फिर ओ तो पी और पी की है इथे ओ ते बी दा मिड पॉइंट तो उनू कितना टाइम लगेगा कवर करने लई, मतलब ओ तो पी पहुंचन लई कितना टाइम लगेगा। तो आम तौर पे तो आपां इहदा आंसर इहदा देने की कोशिश करांगे कि क्योंकि ओ तो बी तक वाला टाइम की है बुत, ओ तो बी वाला टाइम है अगर टी बाय फोर तो फिर ओ तो पी मिड पॉइंट तक का टाइम की होएगा टी बाय एट। इदा ही सोचांगे कि नहीं, हुण इतना पता क्यों सोचांगे असीं, क्योंकि साडे दिमाग दे विच एक मिसकनसैप्शन है कि अगर मान लो एक बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है 2 मिनट च तो फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी 1 मिनट च, है ना। पर एक कंसेप्ट बेटा मैं मिसकनसैप्शन क्यों बोली है, क्योंकि ये रिजल्ट सिर्फ इको केस दे विच ही ट्रू हुंदा अगर बॉडी 10 मीटर कवर कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन दे विच ही तुसी कह सकदे आ कि जे 100 मीटर 1 घंटे च कवर होया तां फिर 200 मीटर 2 घंटे च कवर होएगा, 300 मीटर 3 घंटे च एंड सो ऑन। बट अगली गल केड़ी याद रखनी है कि अगर मैं थानू पूछा कि जेड़ा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा एदा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, है ना। पहला तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए है, हुण ओदे लई थानू समझना की पएगा क्योंकि थानू दिमाग ये गल आनी चाहिए है कि जेड़ा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा उदे उपर रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। तो जिथे फोर्स आ गई उथे यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन दे केस दे विच नेट फोर्स जीरो होंगी। इहदा मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है, तो जे यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होएगा। ये तो हो गया पहला स्टेप। हुण अगली गल थानू याद होएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान जिदा थोड़ा पार्टिकल मीन पोजिशन तो दूर जाता वा, दूर जाता वा तो एक्स की वैल्यू के इनक्रीज होने जी रीस्टोरिंग फोर्स है तो जो एक्स इनक्रीज होएगा तो एफ भी इनक्रीज होएगी, जो एक्स डिक्रीज होएगा एफ भी डिक्रीज होएगी। तो इहदा मतलब अगली गल ये आ गई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान पार्टिकल के उपर डिफरेंट टाइम से या डिफरेंट पोजिशन से जिहड़ी फोर्स लगनी है वह कॉन्सटेंट नहीं है, सेम नहीं है। तो जे फोर्स वेरिएबल है तो उस फोर्स को पैदा होने वाली एक्सलरेशन भी वेरिएबल है। तो इस कारण करके सिंपल हार्मोनिक मोशन जिहड़ा वा ना वह तुसी लिख सकते हैं इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं है,
ना ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये केड़ा मोशन है, ये है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दी एग्जांपल, तो ये अंडरलाइन कर लेंगे। तो क्लियर आ रही है गल तो समझ हुन साडा क्वेश्चन ये सी कि अगर पार्टिकल नो ओ तो चल के बी तक पहुंचन नो टाइम लगा टी बाय फोर, ता ओ तो पी तक कितना टाइम लगेगा? और एक गल सुन लो, जिन्ना टाइम ओ तो पी लगेगा पी तो ओ भी सेम होएगा, जिन्ना टाइम पी तो बी होएगा उतना ही टाइम बी तो पी भी होएगा। हुन एड़ा जवाब कटन दे लई असीं ये मतलब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और रिजल्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, भूलियो ना पुत। वो की है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम फ्रॉम ओ, ओ दा मतलब है मीन पोजीशन मीन एक्स जीरो टू पी, और पी इतने की है पुत्र मिड पॉइंट, मतलब एक्स की वैल्यू आर बाय टू है। तो हुन ध्यान देना पुत्र इनू आंसर कितना करना, इथे इथे इदा सोचो काम नू ईजी करना अपने लिए कि जेड़ा पार्टिकल है वो स्टार्टिंग पे किथे है मीन पोजीशन पे, ते थोड़ी देर बाद किथे पहुंच गया पी ते, तो आपां ओ तो पी वाला टाइम कढ़ना। तो शुरू च क्योंकि ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो आपां कहांगे आपां कह सकते हैं कि इस पार्टिकल की पोजीशन एक्स इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी है, थानू हूँ ही दस के हटे हैं। तो इतने आप एक्स वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजिशन का मतलब। तो जदों आ फार्मूला लिख लिया तो इस फार्मूला च जदों पार्टिकल थोड़ा पी ते पहुंचया तो एक्स कितना हो गया आर बाय टू साइन ओमेगा टी, टी का की मतलब है ओ तो पी तक पहुंचने वाला टाइम, क्योंकि आपां एक्स दी वैल्यू पी दे अकॉर्डिंगली पुट कीती है स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, तो इस करके इसे टी दा मतलब है ओ तो पी तक जान दा टाइम। हुन आर आर कटिया गया ये बन गया हाफ। हुन साइन हाफ दा मतलब है साइन 30 डिग्री, पर मैं थानू दस के हटिया भी आप इतने 30 डिग्री की जगह रेडियन च पुट करनी वैल्यू एस आई च पाई बाय सिक्स साइन पाई बाय सिक्स साइन ओमेगा टी के बराबर है, तो ओमेगा टी हो गया पाई बाय सिक्स। हुण अगर ओमेगा टी पाई बाय सिक्स है पुत तो टी की हो गया पाई बाय सिक्स ओमेगा, पर ओमेगा की होंगा वा ओमेगा होंगे वा टू पाई बाय टाइम पीरियड, तो पाई नाल पाई कटिया गया बेटा सिक्स इंटू टू ट्वेल्व आ टी उपर चला गया टी बाय ट्वेल्व। तो इहदा मतलब जेड़ा सिंपल हारमोनिक मोशन है उहदे विच ओ तो पी पंचन का टाइम जेड़ा वा वह टी बाय ट्वेल्व है। अच्छा हुण अगर ओ तो पी का टाइम टी बाय ट्वेल्व है तो थानू समझ आ जानी चाहिए है कि आप पूरा टाइम अगर टी बाय फोर है तो आ टी बाय ट्वेल्व है तो फिर आ कितना टाइम होया टी बाय फोर माइनस टी बाय ट्वेल्व, इनू सॉल्व कर लो। सो थ्री टी माइनस टी टू टी बाय ट्वेल्व मतलब टी बाय सिक्स। तो कहने का मतलब है कि ये रिजल्ट याद रखना कि अगर थानू आ जाए कि दसो ओ मीन पोजीशन तो एक्सट्रीम पोजीशन तक का अगर टाइम टी बाय फोर है तो फिर ओ तो पी पी की है मीन और एक्सट्रीम का मिड पॉइंट का टाइम की होएगा तो वह कि आ गया टी बाय ट्वेल्व। ये आप रिजल्ट कट लिया क्या कि वा हाँ जी पुत
क्योंकि इतने आप की मनिया स्टार्टिंग पार्टिकल कितने है मीन ते। तो जलो पार्टिकल मीन ते है मतलब जो स्टार्टिंग ते पार्टिकल मीन ते है तो असी है ना काम नु इजी करना ना। तो इतने असी सिर्फ टाइम कटना मीन टू पी तक का ओ टू पी। तो उस करके फिर असी यह मान ही लेना कि साडा पार्टिकल की है मीन पोजिशन से स्टार्टिंग से और उसके लिए फिर फाई जीरो हो जाना तो एक्स की हो जाना आर साइन ओमेगा टी। क्लियर है? मतलब असी मैक्सिमम केसेस दे विच पार्टिकल मीन ते ही बनना स्टार्टिंग से अनलेस सानू कोई स्टेटमेंट दे विच स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए कि पार्टिकल स्टार्टिंग से इत्थे है उन्हों छड के बाकी हर केस दे विच आपां मनना यही है कि पार्टिकल साडा मीन पोजिशन पे है। तो इस करके प्रेफरेबली असी x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी ही लिखना है।